पानी भी बहुत तेज से आ रहा है, पानी बहुत तेज से है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं, हमारे हस्बैंड ने बुलाया है, मार्केट जा रहे हैं। हमारे घर से देखिए कितनी दूर हमको पैदल चलना पड़ रहा है। देखिए ये हमारे गांव जाने का रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ते से हम जा रहे हैं। यहाँ पर रोड नहीं बनी हुई है, देख सकते हैं, और इधर साइड में जंगल है। देखो फ्रेंड, ये देखिए इसे बनती है झाड़ू, झाड़ू की सीख है। निकालो, एक निकालो। अभी हमारे हस्बैंड आए नहीं है, तो रोड के किनारे हम खड़े थे, हमको दिख गई झाड़ू, जिससे कि झाड़ू लगाया जाता वही सीखी हैं ये। दोस्तों अभी हम आए हैं बेड की दुकान पर, यहाँ पर चारों तरफ बेड ही बेड लगे हुए हैं। अभी मैं आई हूँ, आपको दिखाती हूँ। एक ये वाला बेड है, देख लीजिए, कितना अच्छा सा दिख नहीं रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और इस तरफ भी एक ये है, एक ये वाला है। हस्बैंड मेरे नीचे गए हैं गद्दा देखने के लिए। ये हमारे लाडले साहब मार्केट पहुँचते ही इनको भूख लग जाती है, खाना तो कुछ खाते नहीं हैं, बस बाहर की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो गर्मा गर्म चाट लेकर आए हैं। मैं तो व्रत थी, मुझे खाना नहीं है, और बोल रहा था कि आप मम्मी खा लो, मैंने बताया कि मैं नहीं खाऊंगी। और यहाँ पर आप टेबल देख लीजिए, कितनी खूबसूरत टेबल है, और ये गद्दा बहुत ही सुंदर सा गद्दा है। ये देखिए ये वाला बेड हमको पसंद आया, ये यहाँ पर भी टेबल लगी हुई थी, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बना लिया है। यह यहाँ पर रोशनी आ रही है लाइट की, जिससे कि क्लियर नहीं दिख रहा है, और ना एकदम बहुत ही खूबसूरत सी है। और यहाँ थोड़ा सा मैंने वीडियो अपने लाडले बेटे को शूट करने के लिए बोला, तो उन्होंने कैमरा पे इतना ज़्यादा घुमा दिया कि देखने वाले भी घूम जाएं, समझ में नहीं आए कि यहाँ क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मैं नीचे जा रही थी, यहाँ पर भी बेड लगे हुए हैं, काफ़ी सारे बेड लगे हुए हैं, पूरा शोरूम बना हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत बेड हैं। सोफे पर बैठ कर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोला, तो बच्चे हैं, उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। मेरे हस्बैंड उधर अपना बातचीत कर रहे थे पेमेंट करने के बारे में, तो बस मैं यहाँ पर बेड देखने के लिए, मैं सोची कि एक बार घूम कर देख लेती हूँ और भी कुछ चीज़ें। ये देखिए भाई साहब, ये पत्थर, ये देखिए, यहाँ बहुत सुंदर लग रहा है ना, बच्चों को खेलने के लिए कुछ चीज़ें दिख जाती हैं तो वो अपना देखने लगते हैं। फाइनली हमारा बेड आ गया है हमारे घर, और ये देखिए घर के अंदर एंट्री हो रही है बेड की, इतना वजन है ये उठा ही नहीं जा रहा था, एक पेटी लाकर रख दिए हैं और दूसरी उठा कर ला रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वजन है। तो अभी आप देखिएगा ये जो है मैकेनिक, इतना ज़्यादा पसीने में डूब गए हैं, बोले हैं बहुत ही, हमारे शोरूम में सबसे वजन और सबसे बड़ा बेड ये है, यही था। ये साइड टेबल दोनों पहले लाकर रख दिए हैं, इसके बाद में इसकी फिटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसकी फिटिंग हो रही है, और ये मेरा बेड जो है हाफ हाइड्रोलिक है हाफ मैनुअल है, तो मुझे इसलिए ये ज़्यादा पसंद आया कि इसमें दोनों चीज़ें मुझे मिल रही हैं। हाइड्रोलिक बेड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, तो मैंने हाइड्रोलिक ख़रीदा, और साथ ही इसमें मैनुअल जो मिल रहा है मैं उसे डेली यूज के लिए यूज करूँगी, और जो हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक थोड़ा जो है इसमें पंप लगी होती हैं, तो पंप को ज़्यादा ज़्यादा हम यूज करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए जो हाइड्रोलिक है उसको हम कम यूज करेंगे कभी कदार ओपन करने के लिए, और मैनुअल जो है हम उसको अपना डेली यूज करने के लिए खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये बेड सेट हो गया है,
पूरा लुक मैं यहाँ पर नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि पीछे साइड में बिल्कुल जगह नहीं बची हुई है। और मैंने अपने रूम में अभी नहीं इसे सेट किया है, ये पूजा रूम में सेट हो गया है। और लाते वक्त ये जो है लाइट क्रैक हो गई। मैंने बोला जहाँ से हम लेकर आए हैं उनको बोला कि ये लाइट आप दूसरी लगवा के दीजिए, और उन्होंने बोला कि हम खुद नहीं लगाते हैं, ऑनलाइन मंगवा के इसे सेट कराते हैं दूसरे मिस्त्री से। तो मैंने कहा कुछ भी हो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप हमारे घर तक सुरक्षित पहुंचाएंगे, ये आपने खुद कहा है। तो बोले कि ठीक है हम लगवा देंगे। फिर मैंने लाइट को ऑन किया तो जल रही थी, लेकिन जब जो टूटी है तो उसको मैंने फेविक्विक से जोड़ा, जोड़ने के बाद में वो नहीं जल रही थी, तो फिर बेकार ही है। और काफ़ी ज़्यादा महंगी लाइट ये लगी हुई हैं। तो अब यहाँ पर ये हमारे बेड का फुल लुक देख लीजिए। गद्दा नहीं ले पाए हैं क्योंकि गद्दा काफ़ी ज़्यादा महंगा है और बेड ही इतना महंगा है कि इसी में सारे पैसे हमारे लग गए। और दोस्तों जो इसकी हाइड्रोलिक है, इसको बताया गया है कि जब भी आपकी हाइड्रोलिक ख़राब होगी उसको दोबारा से चेंज कर दिया जाता है, बस बताना पड़ेगा दुकानदार को जाके। तो ये हमने लाइट ऑन करके भी ये थोड़ा सा वीडियो बनाया था। तो जब हमने फेविक्विक नहीं लगाई तो ये दोनों लाइटें जल रही थी, उसके बाद में फिर एक नहीं जली जो टूट गई थी फेविक्विक से लगाने के बाद में, और एक जो टूटी हुई उसका कलर भी चेंज था थोड़ा, और ये जो सही सलामत है इसका कलर डार्क था। ये हमारे लाडले साहब सोफा पर बैठकर थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करवाए, हमारी तो नहीं खींची लेकिन अपनी खिंचवा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट के थ्रू कर सकते हैं, हमें फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और ये थी मेरी पूरी वीडियो बेड खरीदने की और घर तक लाने की। तो काफ़ी दिन से मैं बेड लेने के लिए सोच रही थी, फाइनली मेरा बेड जो भी है आ गया है और आप लोगों ने देख ही लिया है। तो ज़्यादा कुछ जानकारी तो है नहीं, मैं पहले सोच रही थी कि मुझे लकड़ी वाला लेना है या फिर मुझे गद्दी वाले जो बेड आ रहे हैं ये वाले लेना है। तो जो गद्दी वाले होते हैं दोनों साइड टेबल के साथ में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और अब जो लकड़ी के हैं वो तो अच्छे खासे दाम में मिल जाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन इनका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि इनका जो साइज़ होता है काफ़ी बड़ा होता है। हाइड्रोलिक में अगर लेंगे तो वो भी जो है काफ़ी महंगा पड़ता है क्योंकि हाइड्रोलिक जो लगती है उसकी मैं उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। कि आने वाले टाइम पर सभी लोग हाइड्रोलिक बेड ही पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये है हाइड्रोलिक बेड अगर ज़्यादा यूज़ किया जाएगा उसका जो बॉक्स खोलने के लिए तो पंप लगी होती है, पंप बिजली पर जाती है, दोबारा से लगवाना पड़ता है। दुकानदार बोले हैं जहाँ से हम लेकर आए हैं उन्होंने बोला कि दोबारा से लग जाएगा, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं, अगर आप गद्दी चेंज करवाना चाहते वो भी हो जाएगा, और जो भी इसमें का आप नया करवाना चाहें वो सारा कुछ हो जाएगा। आप लोग ने मेरी वीडियो को अगर फुल वॉच देखा है यहाँ तक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलती हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ।